Now next one, case conversion method of the string class. Mean suppose अगर आपके पास कोई भी string available अगर इसे string के alphabets को या तो uppercase characters में convert करने या फिर lowercase characters में convert करने ना आप use क्या करो either two uppercase method or two lowercase method. Two uppercase method के through string के all alphabets uppercase format में convert करना possible. Same as two lowercase method के through all alphabets lowercase format में convert करना possible. For example sir मैं call करता हूँ like some name Rahul, capital R, small a, H, U, L, then something at the rate 123, like that. अगर इसे string को मुझे upper case में convert कराना, simply इसे string object के through call क्या करा लेंगे, to upper case. इस particular string में ने सारे के सारे characters mix किये, means alphabets, spaces, symbols और digits. इन फाइनली जब ये मेथड कॉल होगा तो इस मेथड से रिटर्न किया हुआ न्यू स्ट्रिंग और न्यू स्ट्रिंग के केसेस में जितने भी इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट्स हैं सारे के सारे अल्फाबेट्स कन्वर्ट किस फॉर्म हो जाए इनटू इक्विवेलेंट अपर केस फॉर्मेट तो रिटर्न स्ट्रिंग क्या रहेगा रिजल्टेंट स्ट्रिंग क्या रहेगा इस केस में आर ए एच यू एल द रिमेनिंग पार्ट में कोई चेंजेस होंगे क्या नो चेंजेस एट द रेट 123 दिस इज द रिजल्ट ऑफ given case same अगर आप same case में lower case method call कराते हैं then lower case के case में सारे के सारे character convert किस form हो जाएंगे into equivalent lower case form what is the use of such type of methods इस इन methods का real case में अगर usage की बात करें for examples और आपने means किसी web application के अंदर कोई database table create किया जाए user details और user tables इसी user tables के अंदर different different user name और users का information available like a user name और password details इसे users के अंदर maybe employee of the organization or some student like that then अब इस particular table के अंदर सारे के सारे characters किस form में से user names किस format में available है इसका कोई भी आपके पास information है क्या नहीं one more thing से assume कर लो इस case में सारे के सारे characters available किस form में in the form of lower case इस all characters to grab by using lower case format like that username is Rahul then Ramesh like that and some other informations इस particular case में अगर text box के through या HTML page के through enter क्या किया username और some other details password like that and finally login button इस case में इस particular person ने username enter किया Rahul के place पर like that R A H U L क्लियर इस पर्टिकुलर पर्सन्स के अकॉर्डिंग इसका नेम और यूजर नेम कैसा है वैलिड यूजर नेम लेकिन रियल केस में जैसे यूजर नेम एंटर हुआ जब इस यूजर नेम को आप डेटाबेस से मैच करो डेटाबेस के अंदर राहुल फाउंड तो हो रहा है लेकिन इस केस में जब इस स्ट्रिंग को डेटाबेस टेबल के स्ट्रिंग से मैच कराएंगे रिजल्ट क्या आएगा ट्रू और फॉल्स फॉल्स देन सिंपली मैसेज क्या डिस्प्ले हो जाएगा फेल्ड टू लॉगिन तो रियल केस में इस टाइप से मींस जब भी आप टेक्स्ट बॉक्सेस में कोई डेटा एंटर करते हो डेटाबेस टेबल के केस में कभी डेटा डायरेक्टली कंपेयर ना होगे सबसे पहले सर्वर साइड यूजर नेम के लिए कॉल क्या हो जाएगा लाइक दैट मींस पर्टिकुलर जिस पर्सन ने ये एप्लीकेशन डिजाइन किया डेटाबेस डिजाइन किया वो पर्टिकुलर पर्सन श्योर है कि डेटाबेस के अंदर डेटा किस फॉर्मेट में लोअर केस स्टूडेंट के केस में या इस पर्टिकुलर यूजर के रिस्पेक्ट में हो सकता है इसने यूजर नेम लोअर केस फॉर्मेट में एंटर किया हो सकता है अपर केस फॉर्मेट में एंटर किया हो सकता है इन मिक्सड केस और मिक्सड फॉर्मेट देन इमीडिएटली सबसे पहले डेटा डायरेक्टली डेटाबेस से कंपेयर होगी सबसे पहले इसके लिए कॉल क्या करा लेंगे मींस अगर डेटाबेस में डेटा लोअर केस फॉर्मेट में तो हम कॉल क्या कर लेंगे टू लोअर केस मेथड इस पर्टिकुलर लॉजिक का एडवांटेज क्या है यूजर ने किसी भी केस में डेटा एंटर किया हो किसी भी केस में यूजर नेम एंटर किया हो इस मेथड से यूजर नेम एंटर किस फॉर्मेट हुआ इन द फॉर्म ऑफ लोअर केस मींस लाइक दैट राहुल देन अब आपके लिए पर्टिकुलर यूजर नेम डेटाबेस से मैच करना पॉसिबल है क्लियर सेम है का डेटाबेस के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर अपर केस फॉर्मेट में देन उस केस में कॉल क्या करा लेंगे टू अपर केस मेथड दिस द एडवांटेज ऑफ टू लोअर केस एंड टू अपर केस मेथड provided by string class and working in ka simple hai is name itself kaisa also readable is first case mein similar mein simply maine ek string create kiya hai un is internally reference variable create ho jayega un plus ek string create ho jayega rahul kumar ke case mein r aur k kaise hain upper case plus string double quotes ke through create hua isliye itself create hua inside string constant pool memory Like that. Address something 100. इसका address आसान किस में हो जाएगा? Username un.
देन यूजर नेम रेफरेंस पर इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करना स्टार्ट किया। देन इस केस में एसओपी मेथड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल हमने कॉल किया यूएन डॉट टू अपर केस। टू अपर केस मेथड का वर्किंग क्या, क्रिएटिंग न्यू स्ट्रिंग प्लस न्यू स्ट्रिंग के अंदर आसान क्या हुआ, ऑल कैरेक्टर्स अवेलेबल इन साइड यूएन कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ अपर केस फॉर्मेट, मीन्स इन साइड मेमोरी न्यू ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट हुआ, लेकिन न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स कन्वर्ट किस फॉर्म में होंगे, इन द फॉर्म ऑफ अपर केस फॉर्मेट लाइक दैट। इसका एड्रेस 200 है, देन जहां भी आपने इस मेथड को कॉल किया है उस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, रिटर्न क्या हुआ 200। मैंने इस केस में कहीं भी डायरेक्टली असाइन न करके सिंपली प्रिंटलन में पास किया, देन इस 200 प्लेस पर जो भी ऑब्जेक्ट अवेलेबल इस ऑब्जेक्ट का इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हुआ ऑन द मॉनिटर। तो फाइनली इस केस में फर्स्ट प्रिंटलन का रिजल्ट और आउटपुट का डिस्प्ले हुआ सिंपली राहुल कुमार इन द फॉर्म ऑफ अपर केस। सिमिलरली सेकेंड केस में यूजर नेम के लिए कॉल किया कि टू लोअर केस मेथड, यूएन की बात करें तो यूएन अभी भी किस स्ट्रिंग को पॉइंट करा, ओरिजिनल स्ट्रिंग राहुल कुमार, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगेन न्यू ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट होगा और न्यू ऑब्जेक्ट के अंदर सारे के सारे कैरेक्टर्स किस फॉर्मेट में स्टोर होंगे, इन द फॉर्म ऑफ लोअर केस लाइक दैट राहुल कुमार। क्लियर, देन इसका एड्रेस अगर 300 है इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो जाएगा, न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। फाइनली सेकंड प्रिंट एलन से डिस्प्ले क्या हो जाएगा, राहुल कुमार। ये ऑब्जेक्ट कैसे हैं, इट इज नॉट पॉइंटेड बाय एनी रेफरेंस वैल्यूज, मीन सिंपली डिस्प्ले क्या हो जाएगा, गिवन डेटा राहुल कुमार, मीन इन पर्टिकुलर केस में डिस्प्ले कराना तो पॉसिबल, लेकिन इनको एक्सेस करना पॉसिबल नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट्स का एड्रेस किसी रेफरेंस वैल्यू में आसान नहीं है। लेकिन यूएन डिस्प्ले कराओ, यूएन मीन्स अगेन ओरिजिनल स्ट्रिंग, ओरिजिनल स्ट्रिंग अभी भी क्या स्टोर है, सेम एज प्रीवियस राहुल कुमार। क्लियर, दिस इज द वर्किंग ऑफ टू अपर केस और टू लोअर केस मेथड्स।